नमस्कार मित्रों, आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो तालिबानी स्टाइल से कोड़े मारने का वीडियो एक महिला को सामने निकलकर आया है और जिसमें कि जो अपराधी है वो तृणमूल कांग्रेस का बताया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस के विधायक का करीबी है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने आकर इस प्रकार से उसका बचाव किया है, ये कहते हुए कि इस प्रकार की जो कैंगरी कोर्ट्स है, शरिया कोर्ट्स है या ये चाबुक मारने वाली कोर्ट्स है, ये कोर्ट्स चल सकती है, ये इस्लामिक या मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम राष्ट्र में ऐसे ही होता है तो यहां पर भी होना ठीक है। और उन्होंने तो कहा है कि वो महिला ही जो है वो ही दुष्ट कैरेक्टर वाली है, मतलब वो दोषी है, विक्टिम शेमिंग की है। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। इसको सबसे पहले ट्वीट किया था मोहम्मद सलीम ने, लेफ्ट पार्टी के नेता ने, और उसके बाद कई और लोगों ने भी ट्वीट किया था, तो मैंने भी ट्वीट किया। और मैंने ट्वीट करते वक्त राजदीप सरदेसाई, जिनकी पत्नी टीएमसी की सांसद है और हर रोज वो नया एक बयान देती हैं, मैंने उनसे ट्वीट करके ये पूछा कि क्या राजदीप सरदेसाई, जो मणिपुर और बाकी विषयों को लेकर बहुत सारे ट्वीट करते हैं, एक नहीं कई ट्वीट कर देते हैं, लेक्चर देते हैं, क्या वो उसको लेकर कल रात को, मतलब संडे नाइट को 9 बजे का डिबेट करेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि संडे को डिबेट नहीं करते, पर यह विषय कोई कम गंभीर या कम संवेदनशील विषय नहीं है। एक दिन एक्सेप्शन किया जा सकता है, आप अगर 10 चीजों में एक्सेप्शन करते हैं तो इसमें एक्सेप्शन करने में कोई समस्या नहीं थी। और उस वीडियो को, उस ट्वीट को लगभग 4 लाख व्यूज मिल चुके हैं, 10,000 के आसपास रिट्वीट हो चुके हैं। अब देखिये, सांसद पति होने का रुतबा है, रौब है या धमकी देने का एक नया तरीका है, पता नहीं क्या है, जो भी है वो तो स्वयं राजदीप ही बताएंगे। पर मुझे वेस्ट बंगाल पुलिस से एक नोटिफिकेशन मिला है, एक उन्होंने एक्स को, ट्विटर को, मेरे खिलाफ शिकायत भेजी है कि वो ट्वीट जिस पर मैंने राजदीप सरदेसाई से सवाल पूछे, सोचिए राजदीप सरदेसाई से सवाल पूछो कि आप डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हो, तो वेस्ट बंगाल पुलिस जो है ट्विटर, एक्स को या मुझे जो है कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है। तो ये जो नोटिस है वो कानूनी कार्रवाई की मुझे मिली है, ये बैज ऑफ ऑनर है, ऐसी कानूनी कार्रवाई की नोटिस बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा कई लोगों को दी गई है, पत्रकारों को दी गई है, एक्टिविस्ट को दी गई है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने वो वीडियो शेयर किया या किसी को कोट ट्वीट किया या मोहम्मद सलीम को कोट ट्वीट किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा है, चाहे वो शाजा शेख संदेश खाली में हो या चाहे वो ये ताजमहल हो, उनको तो कोई कार्रवाई उन पर होती नजर नहीं आती। आज आपने देखा होगा कि शाजा शेख जैसे विक्ट्री साइन दिखाते हुए जा रहा था, वैसे ये व्यक्ति जो है वो तृणमूल कांग्रेस का ही समर्थक है और तृणमूल कांग्रेस का करीबी है, तो उसको पुलिस लगभग एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी। एक पुलिस वाला तो उसे सलामी ठोकने के लिए बहुत, मतलब नजदीक आ चुका था, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं सख्त। और दूसरी ओर जो इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं, चाहे कूच बिहार पर जहां पर मुस्लिम महिला को निर्वस्त्र किया गया, चाहे संदेश खाली की हिंदू महिला हो या चाहे ये घटना हो चोपड़ा की, उस पर आवाज उठाने वालों की जुबान बंद करने के लिए इस प्रकार से वेस्ट बंगाल की पुलिस धमकी देती है। आज सवाल यह भी बनता है कि साइलेंस ऑफ द सेकुलर लैम्ब्स, मतलब प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल गांधी, इंडी अलायंस, आम आदमी पार्टी, ये लोग संदेश खाली पर भी चुप, ये लोग स्वाति मालीवाल पर भी चुप, कूच बिहार की घटना पर भी चुप, इस वाली चोपड़ा वाली घटना, उत्तर दिनाजपुर की घटना पर भी चुप, पर ये मॉरल हाईग्राउंड लेंगे हर जगह। आज इनको तो बताना ही चाहिए। और जहां तक सवाल है इस नोटिस का वेस्ट बंगाल पुलिस का, तो वेस्ट बंगाल पुलिस आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं कोई ट्वीट व्वीट डिलीट करने वाला नहीं हूं, मैं आपका पूरा इंतजार करूंगा, आप आइए, FIR भी करवाइए, अरेस्ट भी करवाइए, या आप कहेंगे तो मैं खुद आ जाऊंगा बंगाल, आप अरेस्ट करवाइए मुझे। और राजदीप सरदेसाई जी, आपके दोहरे मापदंड, आपकी जो सैंक्टिमोनियस हिपोक्रेसी है, आपकी पथेटिक अटेम्प्ट्स, ये जो चल रही है कि आपको बोला गया तो क्योंकि आपकी पत्नी सांसद है तो वेस्ट बंगाल की पुलिस मुझे नोटिस भेज रही है, ये पथेटिक अटेम्प्ट है, ये हिपोक्रेसी है। वैसे तो डेमोक्रेसी और टॉलरेंस और लिबरलिज्म की आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार और उसके सांसद पेश आते हैं इसका एक उदाहरण है। तो इमरजेंसी मानसिकता आज भी आप लोगों की इकोसिस्टम और जमात में है।
आई डोंट केयर अ डैम अबाउट दिस नोटिस, लेट द वेस्ट बंगाल पुलिस कम एंड अरेस्ट मी फॉर ऑल आई केयर।